विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन हजारों श्रद्धालुओं ने ज्वाला माँ की ज्योति के दर्शन किए और माँ का शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त किया। मंदिर के प्राचीन तालाब में सैकड़ों महिलाओं ने अपने घर की सुख शांति व परिवार की रक्षा करने के लिए बेड़े भी तारे और कामना की कि विष्णु भगवान सभी के बेड़े भव सागर से पार लगाए। मंदिर में समस्त पुजारियों की तरफ से 51 किलो चावल व माँ की खिचड़ी, मूली कंडा व दही का भोग पहले माँ को लगाया, फिर सभी बाहर से आए श्रद्धालुओं में खिचड़ी का भोग भी बांटा गया। पुजारी सौरभ शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर 51 किलो चावल व माँ की खिचड़ी, मूली कंडा व दही का भोग ज्वाला माँ को लगाया गया और फिर सभी भक्तों में भी बांटा गया। हम ज्वाला माँ से यही कामना करते हैं कि माँ ज्वाला की कृपा समस्त भक्तों पर रहे और पूरे विश्व का कल्याण हो। मंडी शहर के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में 2 दिवसीय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय महिला हॉकी स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश की 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ सरदार वल्लभ भाई पटेल संकुल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सी एल चंद्र ने किया। इस प्रतियोगिता में राजकीय महाविद्यालय मंडी के रसायन शास्त्र विभाग से सेवानिवृत्त प्रोफेसर अनिल ठाकुर ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय महिला हॉकी प्रतियोगिता का पहला मुकाबला राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर व पीजी सेंटर शिमला की टीमों के मध्य हुआ, जिसमें पीजी सेंटर शिमला की टीम ने हमीरपुर महाविद्यालय की टीम को 21 से पराजित कर मैच को अपने नाम कर लिया। प्रतियोगिता का दूसरा मैच राजकीय महाविद्यालय मंडी व जीसी दौलतपुर चौक के बीच खेला गया, जिसमें मंडी की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। मंडी महाविद्यालय की टीम ने 60 से जीसी दौलतपुर चौक की टीम को पराजित कर शानदार जीत हासिल की। वहीं एमएलएसएम कॉलेज सुंदरनगर की टीम ने सोलन महाविद्यालय की टीम को 1-0 से पराजित किया। इस प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर अपने संबोधन में मुख्य अतिथि सीएल चंदन ने कहा कि खेलों से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के समाधान में खेलें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं पर तकनीक व आधुनिक मीडिया के प्रभाव पड़ रहे हैं। सीएल चंदन ने कहा कि नशाखोरी व सामाजिक बुराइयों पर अंकुश लगाने के लिए खेलें सकारात्मक भूमिका निभा सकती हैं। इस अवसर पर स्थानीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राकेश शर्मा ने मुख्य अतिथि को समृद्धि चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। सोलन में SCERT में राज्य स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के स्कूलों से आई टीमों ने भाग लिया और अपने नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एक और जहां छात्र छात्राओं ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर नृत्य प्रस्तुत किया, वहीं नृत्य के माध्यम से नशे के दुष्प्रभाव और पर्यावरण और बड़ों का मान सम्मान जैसे विषयों पर भी प्रकाश डाला, जिसका उपस्थित जन समूह ने जमकर लुत्फ उठाया। इस मौके पर SCERT के सह आचार्य हेमराज शर्मा ने बताया कि जनसंख्या शिक्षा परियोजना के तहत सोलन में 1 दिवसीय राज्य स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया है, जिसमें 9 जिलों की विजेता टीमों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों की जीवन शैली का विकास करना है। उन्होंने बताया कि बच्चों को तनाव मुक्त करने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हेमराज शर्मा ने बताया कि बच्चों को समाज में जागरूकता लाने के लिए 6 विषयों पर नृत्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिसमें से विद्यार्थियों ने बेहतरीन नृत्यों का प्रदर्शन भी किया। जिला स्तर से जीतकर आई टीमों ने भी जो टीम आज विजय रहेगी उसे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा।